स्टार्ट करते हैं फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आई वेलकम यू ऑल, खैर ऑल तो नहीं सिर्फ शर्मा दी है, आई वेलकम यू टू द फर्स्ट क्लास ऑफ कैफ वन इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आज हम लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का रखेंगे क्लास को, वैसे भी थोड़ा आधा घंटा लेट स्टार्ट हुई है। वैसे आप लोगों के नॉर्मल जो टाइमिंग है टिल द एंड ऑफ नवम्बर वो होंगे 9:30 से लेके 11 बजे तक, सॉरी 10 बजे तक नहीं 11 बजे तक, 1.5 घंटे की क्लास, सॉरी ठीक है 9:30 से 11 बजे तक होगा। रीजन 1.5 घंटे की क्लास रखने का यही है कि आपका जो है वो ये इतना लेट स्टार्ट हुई है क्लास, ठीक है 24th October, सो वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। सो टू मेक अप फॉर दैट हम इंशाल्लाह 1.5 घंटे की क्लासेस को रखा करेंगे मंडे टू सैटरडे, ठीक है। और अच्छी बात है हमारे पास फिर प्रैक्टिस करने का ज्यादा टाइम मिल जाएगा, हमें समझने का ज्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और फिर 1 December ऑनवर्ड्स आपके टाइमिंग्स थोड़े चेंज होंगे क्योंकि मेरी एक और एक रेगुलर क्लास मेरी स्टार्ट हो रही है, तो वो फिर टाइमिंग इंशाल्लाह मैं आपको तब भी कम्युनिकेट कर दूंगी, वो फिर थोड़ा जल्दी शुरू होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट आई कन्फर्म इंशाल्लाह, तो वो एक्सपेक्टेड है कि 8:30 से लेकर 10 बजे तक फिर 1 घंटा पहले शुरू हो जाएगा, ठीक है 8:30 बजे। तो अगर किसी का कोई क्लास वगैरह आ रहा है ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो वो मतलब बात कर ले, लेकिन मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं होगा उसको चेंज करना, मेरा भी टाइमिंग वगैरह फिक्स्ड है काफी टाइटली स्केड्यूल। तो खैर एनीवे, तो अपने बारे में मैं थोड़ा बताती चलूँ। शर्मा दाबने तो F1 की क्लास 10 की है, यू माइट नो अबाउट मी, माय नेम इज अमारा अहमद, ठीक है जी। एंड आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने अपनी कराची से मैंने अपनी सारी स्टडीज कंप्लीट की है, वहीं से मैंने अपने 3.5 years ऑफ आर्टिकलशिप कंप्लीट किया फ्रॉम KPMG ताकि हाथियन को कराची ऑफिस से, और फिर मैंने वहां पे थोड़ा सा टाइम पोस्ट माय क्वालिफिकेशन आफ्टर माय क्वालिफिकेशन आई वर्क देयर फॉर अराउंड 8 months एज एन ऑडिट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर इन द ऑडिट डिपार्टमेंट, राइट। फिर उसके बाद नाउ आई हैव डिसाइडेड टू सिलेक्ट टीचिंग एज माय प्रोफेशनल करियर एंड इसलिए हियर आई एम। बैक में मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ और रेगुलर क्लासेस भी ले रही हूँ इंट्रो और F1 की। तो दिस इज इट, थोड़ा बहुत मेरे बारे में था। थोड़ा सा हम क्लास के रूल्स वगैरह को डिस्कस करते चले। क्लास में मुझे इंटरेक्शन जो है स्टूडेंट से, आई नीड दैट इंटरेक्शन, मुझे पार्टिसिपेशन बच्चों की चाहिए होती है, ठीक है। तो मैं कोई क्वेश्चन पूछूं मुझे उसका आगे से रिस्पॉन्स चाहिए होते हैं, जब तक मुझे रिस्पॉन्स ना मिले सब बच्चों से या मेजोरिटी बच्चों से, तो मुझे उस टाइम तक मैं आगे नहीं चलती, ठीक है। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है, जितने सवाल आपको पूछने हो आप पूछ सकते हैं, जितनी दफा मुझे रोकेंगे मैं उस टाइम रुकूंगी। ऑब्वियसली अगर मुझे लगेगा कि बाकी क्लास को समझ में आ गई वो चीज और सिर्फ आपको ही पिंच कर रही है, तो डेफिनेटली आई विल आस्क यू टू स्टे बैक एट द एंड ऑफ द क्लास, और फिर हम आपके क्वेश्चन को क्लास से क्लास के आखिर में डिस्कस करेंगे ताकि बाकी बच्चों की स्पीड पे बाकी बच्चों के रिदम पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। लेकिन रेस्ट अश्योर्ड जो भी सवाल हो, भले स्टूपिड से स्टूपिड आपको लग रहा हो, सिली से सिली क्वेश्चन लग रहा हो, लेकिन आपको वो बात पिंच कर रही हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड यू शुड आस्क मी, ठीक है। इसके अलावा मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल होंगी, फोन पे मैसेज पे, लेकिन उसके लिए फिर आपको नेचुरली सी बात है जब अगर आप मुझे अदर देन क्लास कॉन्टेक्ट करना चाहें, क्वेश्चन वगैरह करना चाहें, तो आप मुझे मैसेज कर दें, जो भी आपका क्वेश्चन है जब भी मैं फारिग होंगी आई विल गेट बैक टू यू इंशाल्लाह, ठीक है। तो मसला बस यही है कि हमारे पास ऑनलाइन क्लास में बस एक ये सब इशू होता है कि हम एक ही जगह पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, आई कैन नॉट सी यू, यू कैन नॉट सी मी, राइट। तो मुझे आप लोगों का नहीं पता लगेगा देख के कि भाई आपको कितना समझ में आया, तो उसके लिए मुझे आपकी तरफ से कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है बहुत शदीद किस्म की। और वो यही है कि जब तक आपको कोई चीज क्लियर ना हो आपने मुझे ओके नहीं करना, मतलब ऐसे ही नहीं कर देना कि अच्छा चलो ओके कर देते हैं मैं तो चले ना आगे। आपके पास कोई भी सवाल हो, अगेन वही वाली बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि मेरा कोई फायदा नहीं है फिर पढ़ाने का अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, आपने पैसे दिए हैं, आपने एडमिशन लिया है इसमें, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस वर्क्स आउट फॉर यू, राइट। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो, कोई भी क्वेरी हो, मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरीके से मेरे से कॉन्टेक्ट करें, क्लास में पूछे, क्लास के बाहर पूछे, बट नो इश्यूज एट ऑल, राइट। तो पार्टिसिपेशन, क्वेश्चनिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी आप लोगों के साथ क्वेश्चनिंग करूंगी इंशाल्लाह, राइट।
अच्छा उसके अलावा टेस्ट देना और ये मॉक एग्जाम देना और ग्रैंड टेस्ट वगैरह देना, जो भी सारे एग्जामिनेशन के टेस्टिंग के जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो नेचुरली सी बात है आपकी चॉइस है। हम आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप सारे टेस्ट में अपेयर हो, सारे एग्जाम में अपेयर हो, लेकिन आई वुड वॉन्ट यू टू अपेयर इन ऑल द टेस्ट एंड ऑल द एग्जाम। जैसी भी तैयारी हो, अच्छी है बुरी है, टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, टेस्ट बुरा हुआ, जैसा भी हुआ, मुझे आपने रिस्पॉन्ड उस पर भी करना है ताकि मुझे पता लगे कि क्लास की ओवरऑल प्रोग्रेस क्या है। आई विल नॉट बी जजमेंटल, नेचुरली सी बात है, आई एम योर टीचर, आई कैन नॉट बी जजमेंटल, आई शुड नॉट बी जजमेंटल एट ऑल, राइट। तो अगर किसी का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, किसी की तैयारी अच्छी नहीं है, किसी को कुछ समझ नहीं आया था, उसने टेस्ट नहीं दिया, ये गलत बात है, ठीक है। तो आपने टेस्ट वगैरह देने हैं, मैं ग्रैंड टेस्ट वगैरह भी अरेंज करती हूँ इंट्रो के लिए, आपने वो भी देने हैं, आपने मॉक एग्जाम्स, मिड टर्म्स, जो भी आपके पास सिचुएशन है। मैं कोशिश ये करती हूँ एटलीस्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अटेंडेंस कम होती है, नेचुरली सी बात है, लोग कम होते हैं, तो आई ट्राई टू चेक दोज पेपर्स पर्सनली ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए पूरे सारे बच्चों के बारे में, ठीक है। तो एफ आई वन में भी मैंने सबसे प्रॉमिस किया था कि भाई वो टेस्ट देंगे, एग्जाम देंगे, लेकिन मैंने एक टेस्ट अभी सो फार कंडक्ट किया है, उसमें मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, मतलब 3 या 4 रिस्पॉन्स मिले हैं आउट ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 13, तो दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, ठीक है। तो मैं मेहनत पुट इन कर रही हूँ, मैं एग्जाम क्वेश्चन कोशिश करती हूँ कि मैं नए ढूंढू या नए बनाऊ, राइट। तो मैं आप देखोगे आप लोगों को पास पेपर से सवाल टेस्ट के अंदर और ग्रैंड टेस्ट के अंदर आपको नहीं नजर आएंगे, ठीक है। तो मैं दूसरे सोर्सेस से अरेंज करने की कोशिश करती हूँ, मैं खुद बनाने की कोशिश करती हूँ, तो अब ये तो फिर अनफेयर बात हो जाएगी ना कि मैं इतना टाइम लगा रही हूँ और आप लोग आगे से मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो, सो दैट इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फैक्टर जो कि होता है, बट आई हैव टू इनकरेज यू गाइस, राइट। इसके अलावा क्लास के अंदर लाइव अटेंडेंस जो है, देखिये आप लोग अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के पास ये ऑप्शन है कि अगर आप क्लास में नहीं आते तो चलो आप रिकॉर्डिंग सुन लेते हो, लेकिन लाइव क्लास अटेंड करने में, यानी कि आप क्लास के टाइम पे क्लास में मौजूद हो, ऑनलाइन हो, वो चीज अटेंड करने में एक आपको अलग ही एक बेनिफिट मिलता है। आप उसी टाइम पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, एक ऑब्वियसली एक टू वे इंटरेक्शन चल रहा होता है। तो मेरे नजदीक तो अगर तो आपके पास कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट कोई मतलब इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, अगर आपके पास कोई खास वैलिड रीजन नहीं है, सिर्फ सुस्ती की बिना पर सुबह सुबह क्लास है उठा नहीं जाता, आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी गुड एक्सक्यूज, राइट। क्योंकि आगे जाके आप जब फाइनल लेवल पर जाओगे तो आप लोगों को वैसे ही सुबह 7 बजे क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगे, शाम को 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक आप लोगों की क्लासेस हो जाएंगे, तो उस टाइम पे तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, राइट। तो अभी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा जल्दी उठने में आपका ही भला है, आपका ही फायदा है। फिर रिकॉर्डिंग में नॉर्मली मैंने ये देखा है कि बच्चों की जो है वो मिस हो जाती है, वो मतलब नहीं देख पाते हैं रिकॉर्डिंग भी, जिसको नहीं देखनी होती है वो रिकॉर्डिंग भी नहीं अटेंड करता, तो फिर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग खास तौर पे पहली दफा इंट्रो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो लाइव क्लासेस अटेंड करें, राइट। जो लोग नहीं भी अटेंड करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी, वो डेफिनेटली दे शुड गेट इन टच विद मी, ठीक है, और मैं उनको भी आई विल ऑब्वियसली रिजॉल्व देयर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस एज वेल, बट आई वुड लाइक इट अगर आप लोग लाइव क्लासेस अटेंड करो, ठीक है जी। तो ये बातें कुछ हो गई आपके क्लासेस के बारे में। अच्छा जी, तो सर मैं थोड़ा सा अभी देख लेते हैं जो आपका इंट्रो का सिलेबस आपका है, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हमने अगले 3-4 महीनों में क्या पढ़ना है, राइट। अच्छा जी, सर आपके पास पुरानी स्टडी टेक्स मौजूद है इंट्रो टू अकाउंटिंग की 2013 की, ये आईकैप की वेबसाइट पे आईकैप ने नई जो स्टडी टेक्स है रिवाइज सिलेबस के हिसाब से वो अपलोड कर दी है, तो अगर आपके पास हार्ड में अवेलेबल नहीं है स्टडी टेक्स तो आपसे गुजारिश है कि आप काइंडली उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। अच्छा, ये एंड्रॉइड अटेंडी के नाम से कोई आ रहा है, इज दिस यू सरमन? जी, ये एंड्रॉइड अटेंडी के नाम से कोई एक अटेंडेंस में नाम आ रहा है, ये
कौन है ये, अपना प्लीज नाम लिख दे। अच्छा चले, थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं आपके। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके आईकैप की वेबसाइट पे, आपका ये स्टडी टेक्स्ट और रिवाइज्ड आपका क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। जिनके पास हार्ड में मौजूद नहीं है, जिन्होंने अब तक डाउनलोड नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो डाउनलोड कर लें। राइट, तो स्टडी टेक्स्ट में से मैं आपको बताती रहूंगी कि आपने कहाँ कहाँ से कितनी थ्योरी करनी है, क्या क्या उसमें से करना है। क्वेश्चन बैंक से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? तो ये आपने डाउनलोड करना, याद रखिएगा 2016 की स्टडी टेक्स्ट होगी। राइट, तो इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं सिलेबस को, सिलेबस के बारे में इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इधर आपके पास सिलेबस है उसको हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इंट्रो टू अकाउंटिंग के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। राइट, तो सबसे पहले अगर आप इधर देखें तो जो पहली दफा जो पहले पढ़ चुके हैं इंट्रो टू अकाउंटिंग, तो उनको उनके लिए थोड़ा जरूरी हो जाएगा, ताकि उनको ये पता लग जाए कि भी इन्होंने अभी सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना जो वो पहले पढ़ते आए थे। इसके अलावा थोड़ी सी वेटेज में भी चेंज आया है, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो आइटम है वो है आपका इंट्रो टू अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। इसकी वेटेज है 32-35 मार्क्स। तो इसमें आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अकाउंटिंग की बेसिक डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, बिजनेस एंटिटीज कितनी किस्मों की होती है। राइट, इसके अलावा आपके पास जो आइटम्स आ रहे हैं, अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको उसमें फर्दर ब्रेकअप मिल जाएगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इसमें कवर होते हैं, क्या होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, वो तो हम उसी टाइम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपकी रिपोर्ट्स होती है, रिपोर्टिंग होती है, उनके यूजेस क्या हैं, कौन कौन इस्तेमाल करता है। इसके अलावा बुक कीपिंग की बेसिक्स, डबल एंट्रीज क्या होती हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज क्या होती हैं, तो ये सारी चीजें, जनरल लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, यहाँ तक ये बी से पहले तक पूरा एरिया आपका कवर करता है। और इन सारे कॉन्सेप्ट्स में से, इन सारे एरियाज में से एक्सपेक्टेड है कि 30 से लेके 35 मार्क्स आपके टेस्ट होंगे। राइट, तो ये वाला पोर्शन, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया है कंपेयर टू द लास्ट सिलेबस, जो पहले आपका टेस्ट होता रहता था। एडजस्टमेंट प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर अच्छा बोर्ड अभी नहीं चल रहा है, इस वजह से आई विल नॉट बी एबल टू मेक, जो मैं फ्लो चार्ट नॉर्मली बनाती हूँ सिलेबसेस का, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह पे जैसे जरूरत ऐसे नहीं है अभी, तो वैसे भी जो लोग पहली दफा पढ़े होंगे सच को खास समझ नहीं आनी। राइट, तो मैं सिर्फ आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूंगी कि हमने करना क्या है, और बोर्ड इंशाल्लाह कल से होपफुली ऑपरेशनल होगा। कल इतना मसला नहीं होगा, तो कल इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग प्रॉपरली। राइट, तो आपके पास जो सेकंड पार्ट है, पॉइंट है, सेकंड आपका आइटम है, वो है एडजस्टमेंट्स प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इसका जो आपके पास वेटेज है वो 25 से 30 मार्क्स एक्सपेक्टेड है कि वो टेस्ट होंगे पेपर में। अब एडजस्टमेंट्स में जो है फिर अच्छी खासी चीजें आ जाती हैं, उसमें इन्वेंट्री का टॉपिक है, उसमें डेप्रिसिएशन है, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट है, बैड एंड डाउटफुल डेट है, एरर्स हैं, एरर्स की रेक्टिफिकेशन है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। तो जिन्होंने पहले इंट्रो पढ़ी हुई है, बेसिक अकाउंटिंग, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज और ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन तक, ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन तक इस एरिया में फॉल करती है। और ट्रायल बैलेंस के बाद जो सारे हम टॉपिक्स पढ़ते हैं,
जिसमें आपके पास आ जाता है वही डेप्रिसिएशन इन्वेंट्री अप्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स बैलेंस डाउटफुल डेट करेक्शन ऑफ एरर्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, वो सारे के सारे इस पोर्शन में फॉल करते हैं राइट. फिर आपके पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर. तो फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक पहले भी आपके सिलेबस में था. नाउ पॉइंट नंबर टू में भी कोई चेंज नहीं आया सिलेबस में और पॉइंट नंबर थ्री जो आपके पास है ये भी सेम एज वैसे का वैसे ही है. इसकी वेटेज जो है वो अप 22-25 मार्क्स है राइट. पहले सिलेबस में मेरे हाथ से अप टू 20 मार्क्स थी जहां तक मुझे याद पड़ रहा है ठीक है. तो वेटेज में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो. मैं सिर्फ कंटेंट के बारे में आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि कंटेंट्स में क्या खास चेंज आया है. चेंज आया है इंट्रो के सिलेबस में वो आया है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप्स के टॉपिक में. तो पार्टनरशिप्स बेसिकली पहले जो है वो आपका दो एरियाज में डिवाइडेड था ठीक है. एक तो आपके पास था बेसिक पार्टनरशिप अकाउंटिंग ठीक है और दूसरा आपके पास था एडवांस्ड अकाउंटिंग ठीक है, जिसमें हम कहते थे चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर ठीक है. तो अब ये हुआ है कि चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर जो है वो आपका अब इंट्रो में से निकल के कहाँ चला गया, FAR 1 में चला गया. तो आपके पास इंट्रो में अब सिर्फ और सिर्फ बेसिक पार्टनरशिप अकाउंटिंग ही बची है राइट. लेकिन जिन्होंने पहले इंट्रो पढ़ी हुई है उनके लिए मैं एक जरा पॉइंट लेकर आ जाऊं, उनकी अटेंशन में पॉइंट लाना चाह रही हूँ. और वो ये है कि पहले जो वेटेज थी जिसमें क्या था सिलेबस में पार्टनरशिप के दोनों बेसिक अकाउंटिंग थी और क्या थी एडवांस्ड अकाउंटिंग जब दोनों शामिल थी तब भी पार्टनरशिप का वेटेज दिया हुआ था 20 मार्क्स और अब भी तकरीबन उतना ही है 15-20 मार्क्स है. तो अब हमारे सर पे हम ये मतलब ऑब्वियसली कुछ लोगों को खुशी तो होगी कि निकल गया मतलब चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर इंट्रो के सिलेबस में नहीं है बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ लेंथी एंड डिफिकल्ट पोर्शन. लेकिन अब इस वेटेज को भी देख के हमें इतनी ज्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए. रीजन बीइंग इसका मतलब ये है कि अब वो बेसिक अकाउंटिंग जो है वो आपका काफी डेप्थ में जाके टेस्ट करेगा. पहले हम इतना बेसिक अकाउंटिंग पे फोकस करते भी नहीं थे, हम बस थोड़ा मतलब जो बेसिक चीजें हैं ऑब्वियसली उनकी प्रैक्टिस की उनको समझा सही से और फिर वी मूव यूज टू मूव ऑन. यानी कि हमें वो 20 मार्क्स को डिवाइड करना पड़ता था बिटवीन और जो 20 मार्क्स के साथ जितना भी टाइम बनता है इस टॉपिक के लिए वो हम फिर डिवाइड करते थे बिटवीन बेसिक अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग राइट पार्टनरशिप की. लेकिन अब क्या सिचुएशन है, अब वही 15 से 20 मार्क्स है, वही उतना ही टाइम हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वो सारा का सारा टारगेट को किसको करेगा बेसिक अकाउंटिंग को, विच मीन्स अगेन कि हमें फिर थोड़ा सा उसके और ज्यादा हमें उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें और ज्यादा डेप्थ में उसको जाके देखना पड़ेगा राइट. तो आपका मेजर जो डिफरेंस आया, जो मेजर चेंज आया है वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में ही आया है ठीक है. तो ये तो थोड़ा सा आपका सिलेबस के बारे में बात हो गई कि आपके सिलेबस के कंपोनेंट्स क्या क्या है, वेटेज क्या होगी ठीक है. तो इसके अलावा तो ऐसे कोई और चीज नहीं है. क्वेश्चन के जो आपका पेपर होता है इंट्रो का पेपर होता है वो आपका ऑब्वियसली 100 मार्क्स का होता है. यू हैव 3 hours टू अटेम्प्ट इट ठीक है. 3 घंटे आपको मिलते हैं उन 100 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए और आपको एडिशनल 15 मिनट दिए जाते हैं रीडिंग टाइम. ये बात आपको बाकी भी आपके क्लास के टीचर्स बताएंगे. यहाँ से ये AFC में वाली चीज नहीं होती थी राइट. 15 मिनट का रीडिंग टाइम शायद नहीं मिलता, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. तो होता क्या है कि आपके पास 3 hours होते हैं टू अटेम्प्ट द पेपर एंड यू गॉट 15 मिनट्स का शुरू में आपको एडिशनल रीडिंग टाइम दिया जाता है. सो इन अदर वर्ड आपके पास 3 hours और 15 मिनट्स अवेलेबल होते हैं राइट. लेकिन उन 15 मिनट्स में आप कोई लिख विख नहीं सकते, यू कैन नॉट सॉल्व द पेपर ठीक है. सिर्फ इसमें रीड करना ही अलाउड होता है. जैसे ही आप पेन उठाएंगे, पेपर अपना कुछ भी उठाएंगे, पेंसिल भी उठाएंगे, तो आप पेंसिल से खैर आप अंडरलाइन वगैरह तो कर सकते हो लेकिन वो भी इनविजिलेटर्स आपको इतना इंकरेज नहीं करते बल्कि वो आके आपको शायद मना भी करें कि आपने कुछ मार्क भी नहीं करना पेपर पे उन 15 मिनट में ठीक है. तो वो सिर्फ आपके इंटायरली रीडिंग के लिए होते हैं. आपको दिमाग में ही अपना सारा जो है वो सोल्यूशन जो है वो दिमाग में थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है
माइंड मैप्स बनाने पड़ते हैं आपको, क्वेश्चन दिमाग में आप सॉल्व करना शुरू कर देते हो, आपको एक आइडिया आता है पेपर के बारे में, आप एटलीस्ट ये चीज जरूर डिसाइड कर लेते हो कि आपने कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। तो जो इजियर क्वेश्चन होते हैं नेचुरली सी बात है आप अटेम्प्ट भी उनको पहले करते हो, राइट। तो उसके अलावा जो चीजें हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा बहुत तो मैं अभी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वो बता देती हूँ। आपके पास 3 घंटे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, यानी कि आपके पास 180 मिनट्स अवेलेबल है टू सॉल्व दोज 100 मार्क्स। तो हमें करना क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल का पेपर है वैसे भी कैट के लेवल पे और उससे आगे, आपको अपने आप को टाइम करने की बहुत शदीद जरूरत होगी, ठीक है। आपको अपने आप को टाइम करना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, तो ऐसा नहीं है कि आप उस पर 20-25 मिनट गुजार दो, आधा घंटा गुजार दो, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से फिर जो इससे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनके लिए फिर कम टाइम बचेगा। तो आपको करना क्या है, आपको अपने लिए एक ये रूल बना लेना है और इसी के हिसाब से हम प्रैक्टिस भी करेंगे, टेस्ट भी मैं इसी हिसाब से सेट करती हूँ कि आपको करना है अपने आप को 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट अपने लिए एलोकेट कर देना। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर कोई 10 मार्क्स का सवाल है तो उसमें आपने अपने आप को टाइम कर देना है कि 18 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, राइट। अगर कोई फॉर एग्जांपल आपके पास 2 मार्क्स का अगर 20 मार्क्स का सवाल है तो आपने क्या करना है, 20 × 1.8, इसमें आपके पास 36 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। तो जैसे ही आप ये देखें कि 18 मिनट अप हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने वो क्वेश्चन वहीं पे छोड़ना है, छोड़ देना है, भले कंप्लीट हो इनकम्प्लीट हो, अनलेस ऑब्वियसली वो ऐसा है कि आपको पता है कि आपने बिल्कुल ठीक ठीक किया है और आप कंप्लीट कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 2-3 मिनट, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो सवाल आपसे कंप्लीट नहीं हो रहा, आपने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली, आपको नहीं समझ आ रहा, तो जितना भी आपने किया आपने उसको एज इट इज वहीं पे छोड़ देना है और आपने अगले क्वेश्चन पे मूव करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पेपर है, मतलब मेजोरिटी इसमें न्यूमेरिकल चीजें ही आती है, 5 मार्क्स हो सकते हैं, 10 मार्क्स का आपके पास थ्योरी भी आ जाए, ऐसा तुम्हारे पास ये कोई पैटर्न वगैरह नहीं बन रहा बनता के कितना जो है वो आपका थ्योरी है, कितना आपका न्यूमेरिकल है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन ऑन एन एवरेज 10% से ज्यादा आपकी थ्योरी नहीं आती, राइट, 10 मार्क्स से ज्यादा। तो हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि न्यूमेरिकल आपका पेपर है, इसमें स्कोरिंग पेपर कह सकते हैं उसको, न्यूमेरिकल पेपर के लिए आपके पास बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका फाइनल आंसर ठीक नहीं भी है, लेकिन अगर आपकी वर्किंग ठीक ठीक है, अगर आपने शो सब कुछ बिल्कुल ठीक तरीके से किया है, प्रेजेंट सब कुछ किया है, वर्किंग आपने लिखी है प्रॉपर और वो ठीक है, तो आपको उनके मार्क्स मिल जाते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका आंसर गलत है तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन के 0 मार्क्स मिल जाएंगे, 10 मार्क्स में हो सकता है आपको 6 मिल जाए, राइट। दैट्स वेरी गुड। आपको करना क्या है, मैं इस बात को बड़ा एम्फसाइज करती हूँ कि आपने फिर अपनी वर्किंग्स को शो करना है एग्जामिनर के, एग्जामिनर को दिखाना है कि फलानी फिगर किस तरह से आई। तो ये नहीं करना कि अपने कैलकुलेटर में सॉल्व किया और वहीं पे बस सिंपल आंसर लिख दिया, 2 by 2 लिखना है, 2 × 2 लिखना है, आपने लिख दिया 4, यानी कि 2 × 2 अपने कैलकुलेटर में किया और 4 लिख दिया, आपने 2 by 2 लिखना भी है, राइट। जस्ट एन एग्जाम्पल कि जो खासतौर पर जो कॉम्प्लेक्स वर्किंग है वो तो आपने फॉर श्योर डिस्प्ले करनी है, लिखनी है वर्किंग के लिए। तो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं उसमें आपको बताती रहूंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया। इंट्रोड्यू काउंटिंग बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, जिन लोगों का इंटरेस्ट है फिगर्स और नंबर्स के अंदर उनके लिए तो खैर बहुत ही मजे का हो जाएगा। और मेरे ख्याल से मेहनत करके, तो मेहनत से तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, आप मेहनत करें, आप ठीक तरीके से सारी चीजों को समझें, कंसेप्चुअली आपने सारी चीजों को क्लियर करना है, रटे नहीं मारने, ठीक है। ऑब्वियसली थ्योरी में तो आप याद ही करेंगे चीजों को, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ कि क्या किस तरीके से होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, आपके सवाल क्यों का सवाल आपने पूछना है, ठीक है। जिस लॉजिक के अंदर जिस कॉन्सेप्ट में क्यों का जवाब नहीं होगा वो मैं आपको बता दूंगी कि भाई ये बस ऐसा है तो है, ठीक है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग को अकाउंटिंग क्यों कहते हैं, राइट, अब इसका कोई मतलब तो नहीं है, राइट। तो इस तरह की चीजों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रूल्स होती हैं या क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, राइट। रूल्स या स्टैंडर्ड्स में तो अब उनकी कोई ऐसा लॉजिक नहीं है,
रूल्स या स्टैंडर्ड्स में जो चीज लिखी हुई है, जो चीज आपकी फिक्स नहीं हुई है कि उसको उस तरीके से करना है तो करना है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जिनका कोई जवाब नहीं है क्यों का, लेकिन काफी चीजें ऐसी हैं जो कि मैं आपको फिर समझाऊंगी कि इसके पीछे लॉजिक क्या है इंशाल्लाह। तो आपको क्या करना है, लॉजिक से चलना है, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं, रट्टे इसमें नहीं चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस का कोई डिस्टर्ब हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, मैं बोर्ड से नहीं पढ़ी हुई, आई डन माय ए लेवल्स एंड ओ लेवल्स, तो आपका जो बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है उसमें कोई सेट पैटर्न हो क्वेश्चन का कि बस इसी तरह के आते हैं, और ये इसी में बस थोड़ा बहुत डेटा वेटा चेंज कर दो तो यही चीज आपकी रिपीट होती है, तो इधर नेचुरली सी बात है इस तरह से नहीं होता। ये आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, आपका फॉर्मेट ऑब्वियसली कुछ चीजों का तो सेट है कि फाइनल अकाउंट का किस तरह का सवाल आता है, किस तरह से मेजोरिटी चीजें किस तरह से उसमें लिखी हुई होती है क्वेश्चन में, लेकिन उसमें जो छोटी मोटी बारीकियां हैं, जो कंटेंट्स हैं, वो नेचुरली सी बात है फिर चेंज होते रहते हैं, और उनमें वो टेक्निकलिटीज लेकर आते हैं, ट्विस्ट लेकर आते हैं जो एग्जामिनर्स हैं, तो उनको किस तरीके से टैकल करना है वो भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग द सिलेबस या पेपर जो अभी इस पॉइंट पे मुझे डिस्कस करना हो, आगे जाकर इंशाल्लाह सारी चीजें हम लोगों को वैसे भी क्लियर होती रहेंगी, ठीक है जी। तो देखा जाए तो अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि अकाउंटिंग है क्या, व्हाट एक्चुअली इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक मुझे बहुत ही क्या कहते हैं कंसाइज है, और इट इज अ कंप्लीट डेफिनेशन। व्हाट इज इट, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, तो बेसिकली अकाउंटिंग क्या है वो आपके पास ये डेफिनेशन, ये पूरे अकाउंटिंग के साइकिल को इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस डेफिनेशन ने इसको लिखा है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर। तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लें, इसको याद कर लें, अच्छी डेफिनेशन है। और इसके अंदर जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि क्या मतलब है रिकॉर्डिंग से, क्लासिफाइंग से, समराइजिंग से, इंटरप्रेटिंग से। वैसे तो अभी जो हम अगले इनफैक्ट पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अभी आप आगे जाके सीखोगे जो अकाउंटिंग के सब्जेक्ट आपके पास आएंगे, FR1 है, FR2 है, फाइनल के लेवल पे जितने भी आपके पास एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उसमें आपने बेसिकली ये चीजें पढ़नी है। रिकॉर्डिंग आप इंटर के लेवल पे, इंट्रो के लेवल पे आप रिकॉर्डिंग वगैरह के बारे में आपको पता लग जाएगा, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी आपने आगे जाके पढ़नी है। यानी कि अकाउंटिंग इज नॉट दैट सिंपल, मतलब ये मतलब नॉट द सब्जेक्ट, लेकिन अकाउंटिंग जो इटसेल्फ एक्टिविटी है उसमें बहुत सारी चीजें, ये नहीं हो सकता कि आप इंट्रो के लेवल में आपने जितनी चीजें वो पढ़ के आपने खत्म कर दिया, आपने कहा मुझे सारी अकाउंटिंग आ गई, नहीं, देयर इज मोर टू इट, ठीक है। और अगर मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बताऊं, जो दुनिया है मतलब अकाउंटिंग की जो दुनिया है, जिस तरह सारी कंट्रीज में जो जिस तरह से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं, उसमें हर 6-8 महीने के बाद छोटी मोटी चेंजेस आती रहती है, छोटी मोटी इम्प्रूवमेंट्स आती रहती हैं, तो इट इज अ कंटिन्यूसली इवॉल्विंग प्रोसेस है अकाउंटिंग का। ये इंट्रो के लेवल पे तो खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, रेलेवेंट नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आपकी जो अकाउंटिंग है, आपके जो प्रैक्टिस है, किस तरह से अकाउंटिंग करनी है, मेथड क्या क्या है, वो कंटिन्यूसली हमारे इन्वॉल्व होते रहते हैं। और अस बीइंग ऑडिटर्स, बीइंग अकाउंटेंट्स, हमें अपने आप को उस अकाउंटिंग की एवोल्यूशन से अप टू डेट रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अकाउंटिंग भी एक आर्ट की तरह है, जस्ट लाइक एन किसी भी आर्ट, दूसरे किस्म के आर्ट की तरह है, एक खास उसमें भी टेक्निक्स होती है, राइट। और इसमें आप करते क्या हो, रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाई करते हो, क्लासीफाई से मुराद आगे जाकर क्लियर हो जाएगा, क्लासीफाई से मुराद ये कि आप उसको किसी कोई मतलब उसको मानी दो और उसको किसी हेडिंग के नीचे क्लासिफाई कर दो कि एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को, एक टाइप ऑफ आइटम को, एक
नेचर ऑफ आइटम्स को आपने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया और आपने उनको दूसरे नेचर ऑफ आइटम्स के साथ सेपरेट करके रख दिया, यानी कि उनको इंडिविजुअली कोई आइडेंटिफिकेशन दे दो, क्या हेडिंग के नीचे क्लासिफाई कर देना, राइट। समराइज करने का मतलब यह है कि बहुत सारी चीजों को आपने उनका एक कोई मतलब निकाला, राइट, और उस मतलब से आपने क्या किया, इंटरप्रिटेशन की, और इंटरप्रिटेशन के स्टेज पे बेसिकली हम करते क्या है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अकाउंटिंग में पूरा जो प्रोसेस है यह हम करते किसका है, तो हम ये करते हैं किसी भी बिजनेस का, ठीक है। हमने वैसे तो अकाउंटिंग दूसरी एंटिटीज की भी होती है, लेकिन हमने जो पढ़ना है ना वो बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़नी है, तो अब बिजनेस की डेफिनेशन क्या है वो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। स्टडी टेक्स्ट में आपके पास बिजनेस की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है, ठीक है। ये है आपका पेज नंबर है 3, ठीक है जी। तो अब अगर हम देखें कि बिजनेस होता क्या है, तो बिजनेस की बहुत सारी डेफिनेशन है, जिसमें से एक डेफिनेशन ये है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फॉर वन अनदर और फॉर मनी। तो अब एक एक करके इसको समझते हैं। अच्छा जी, बिजनेस के लिए आप ये याद रखिए, बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है, बिजनेस कोई भी ऐसी एंटिटी है, कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसकी नीयत क्या है, प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने दो एक्टिविटीज मैं कर रही हूँ, एक्टिविटीज से मुराद ये फॉर एग्जांपल बाइंग एंड सेलिंग, फॉर एग्जांपल सर्विसेज प्रोवाइड करना, राइट, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ मिलके हम लोग दो किस्मों की एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है। एक फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी ये है कि मैं जो हूँ वो फर्नीचर खरीदती हूँ एक जगह से और मैं दूसरी जगह बेच देती हूँ उसको, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कुर्सियां खरीदी एक जगह से और दूसरी जगह मतलब मैंने अपनी शॉप पे लाके रखी है, मैं वो बेच रही हूँ, ये क्या है, ये बिजनेस एक्टिविटी है, राइट, ये एक एक्टिविटी है। और मेरी उस एक्टिविटी की नीयत क्या है कि मैंने इस काम से, इस एक्टिविटी से क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, मुनाफा कमाना है, नीयत है मेरी कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेरी सारी मेहनत किस चीज के लिए होगी, मेरी सारी मेहनत इस चीज को टारगेट कर रही होगी कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। और प्रॉफिट से क्या मुराद है, प्रॉफिट से मुराद ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 10 रुपए की एक कुर्सी खरीदी है और मैं उसको अगर 15 रुपए पे बेच रही हूँ, 10 रुपीज की मैंने परचेज की और मैंने उसको 15 रुपीज में बेचा, तो मेरे पास 5 रुपीज क्या होंगे, वो मेरा प्रॉफिट होगा, यानी कि जितना मुझे खर्चा आया है उसके ओवर एंड अबव मैंने कुछ कमाया, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया, मेरी नीयत क्या है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। और दूसरी साइड पे मैं आपको बता रही हूँ, दूसरी फ्रेंड के साथ मैंने एक और बिजनेस, एक और मैंने एक्टिविटी स्टार्ट की हुई है, उसमें भी मैं फर्नीचर बाय और सेल करती हूँ, लेकिन उसमें मेरी नीयत क्या है कि मैंने वो फर्नीचर खरीद के फॉर एग्जाम्पल किसी यतीम खाने में देना है। मेरा ये एक्टिविटी है कि मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस क्या कर रही हूँ, मैं फर्नीचर खरीद के गरीब लोगों में फॉर एग्जाम्पल तकसीम कर रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हो सकता है बहुत ही थोड़ी अमाउंट लेके उनसे, मतलब बहुत ही नॉमिनल प्राइस चार्ज करके। तो मेरी लेकिन उसमें नीयत क्या है, क्या मैं वो ये काम प्रॉफिट कमाने के लिए कर रही हूँ, नहीं, मेरी उस एक्टिविटी में नीयत क्या है कि मैंने फलाह का काम करना है, मैंने चैरिटेबल काम में कर रही हूँ, उसमें भले मुझे प्रॉफिट हो, भले मुझे लॉस हो, भले खसारा हो, भले मुनाफा हो, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। हो सकता है मैं 100 रुपए की कुश्ती खरीदूं और उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में क्या दे दूं, गरीब लोगों को दे दूं, तो मेरे पास कोई सेल तो आई नहीं ना, मेरे पास कोई कमाई तो मेरी हुई नहीं, मैंने बल्कि उल्टा अपनी जेब में से खर्चा किया, मैंने किसी से वो खर्चा रिकवर नहीं किया, मैंने किसी से वो पैसे वापस किसी तरीके से मुझे मिले नहीं, तो वो तो मेरा क्या हो गया, 100 रुपए का मेरा लॉस हो गया, लेकिन उससे मेरा कोई गर्ज नहीं है, क्यों, क्योंकि उस एक्टिविटी में मेरी इंटेंशन, मेरी नीयत क्या थी, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मेरी इंटेंशन नहीं है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो ये दो अगर मैं एक्टिविटीज साइड बाय साइड कर रही हूँ, एक की नीयत क्या है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, दूसरी की नीयत है कि मेरा प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे चैरिटेबल काम में काम कर रही हूँ, तो जिस एक्टिविटी में प्रॉफिट एलिमेंट इन्वॉल्व है उसको मैं कहलाऊंगी कि ये मेरा बिजनेस है, ठीक है।
ये मेरा बिजनेस है, यानी कि जिस उसमें मैं फर्नीचर खरीद के बेच रही हूँ ओवर एंड अबव उस अमाउंट पे जो मैंने पे किया था कुर्सियां खरीदने के लिए, वो मेरा बिजनेस कहलाएगा। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें प्रॉफिट या सरप्लस की इन्वॉल्वमेंट हो या नियत हो कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज बच जाए पीछे, उसको हम कहेंगे कि वह कोई इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है, तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज बेसिकली एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर गुड्स, गुड्स क्या होती हैं आपकी? गुड्स होती हैं टेंजिबल आइटम्स। टेंजिबल आइटम्स मतलब आपको, आप जिनको टच कर सको, जिनको देख सको, राइट? तो गुड्स हो गई, प्रोडक्ट्स हो गई, आइटम्स हो गई, और सर्विसेज क्या है? आप सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचिंग बिजनेस नहीं है, लेकिन इसको मैं इस्तेमाल करूंगी सर्विस की डेफिनेशन प्रूव करने के लिए। जिसमें मैं टीचिंग कर रही हूँ, मैं आप लोगों को कोई टेंजिबल आइटम, मैं आपको कोई गुड नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, इवन दो क्या है, ये टीचिंग इज नॉट अ बिजनेस। इसमें मेरी नीयत ये नहीं है कि मैं प्रॉफिट कमाऊं, ठीक है? इसमें मेरी नीयत क्या है कि मुझे एजुकेशन फैलानी है, राइट? तो ये क्या हो गया, दिस इज नॉट अ बिजनेस, बट यस दिस इज अ सर्विस, राइट? और सर्विस के लिए हम क्या कहेंगे कि भाई ये इनटेंजिबल, ये टेंजिबल और इनटेंजिबल इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये इनकी स्पेलिंग्स हैं, ठीक है? टेंजिबल आइटम्स वो होते हैं समथिंग दैट कैन बी सीन और टच्ड, ठीक है जी? एंड दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी, राइट? तो आपके पास ये चीज होगी कि गुड्स और सर्विसेज जहां पे देखे दे आर एक्सचेंज फॉर वन अनदर और फॉर मनी, यानी कि ऐसा कोई सिस्टम जिसमें गुड्स या सर्विसेज या दोनों एक्सचेंज होती हैं फॉर वन अनदर। यहाँ पे जो टर्म मेंशन है वन अनदर का, इससे मुराद है बार्टर सिस्टम। इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या होता था, ये पुराने वक्तों में बिजनेस इसी तरह से किया जाता था। जब मनी इजाद नहीं हुआ था, पेपर मनी इजाद नहीं हुआ हुआ था, तब आप क्या करते थे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 1 किलो गोश्त है, राइट, 1 किलोग्राम मीट है, एंड आई नीड 1 किलोग्राम ऑफ राइस। मुझे जरूरत किस चीज की है? मुझे राइस खरीदनी है। अब उस जमाने में पैसा तो था नहीं, पेपर मनी तो था नहीं, मेरे पास एक्सेस क्या पड़ा हुआ है? गोश्त पड़ा हुआ है, जिसकी मेरी कोई, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, वो मीट उठा के लेके जाऊंगी, जिसके पास वो राइस होगा, जो बेच रहा होगा वो राइस, उसको मैं वो मीट दे दूंगी और उसके बदले में राइस ले लूंगी, राइट, खरीद लूंगी। तो ये क्या है, गुड फॉर गुड। आपने एक गुड को दूसरी गुड के अगेंस्ट क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, परचेज कर लिया, राइट? तो ये आपका क्या है, ये भी आपके बिजनेस में आता है, ठीक है? या फिर ये है कि आप एक गुड को मनी के अगेंस्ट वो कर लो, जो कि आजकल इसी तरह से होता है कि आप क्या करो, 1 किलो मीट के अगेंस्ट राइस ना दो, आप क्या दो, फॉर एग्जाम्पल 800 रुपए, 800 रुपीज, राइट? तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये आपका दूसरी उसमें हो जाएगा कि या तो आप गुड के अगेंस्ट कोई सर्विस रिसीव करो, आप गुड दो किसी को और उसके अगेंस्ट कोई और गुड रिसीव करो, या कोई सर्विस रिसीव करो, या किसी को कोई सर्विस दो और उसके अगेंस्ट कोई गुड या सर्विस रिसीव करो, या फिर क्या करो, आप गुड या सर्विस दो और क्या रिसीव करो उसके अगेंस्ट, मनी। लेकिन इंटेंशन दोनों की क्या होनी चाहिए, इस एक्सचेंज में अगर प्रॉफिट की नीयत नहीं हुई, अच्छा ये बात याद रखिएगा, मैं नीयत कह रही हूँ, मैं इंटेंशन कह रही हूँ, ये नहीं कह रही कि प्रॉफिट होना चाहिए। अब वो प्रॉफिट इत्तेफाक से होता है या नहीं होता, या बेचारे को लॉस हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस ही नहीं होगा। नीयत उसकी क्या थी कि मैंने कोशिश करनी है कि मेरा प्रॉफिट जितना से जितना हो सकता है हो, राइट? तो आपके पास ये मेन आपका फीचर है बिजनेस का, दैट सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर एक्टिविटीज, राइट? फिर इसके अलावा आपके पास और ज्यादा और जो डेफिनेशन है बिजनेस की, बिजनेस एंटिटी इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस, एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड असेट्स दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग कंडक्टेड एंड मैनेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, यानी रिटर्न का मतलब है प्रॉफिट, राइट? एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइजिंग एंटिटी एंगेज इन कमर्शियल इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज, राइट? फिर आपके पास हम देख लेते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस आ रहे हैं आपके नीचे यहाँ पे,
क्या फीचर्स होते हैं किसी भी बिजनेस के, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बिजनेस एग्जिस्ट टू मेक प्रॉफिट, नियत है उनकी प्रॉफिट कमाना। कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, बाय सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज टू अदर्स, और वो जिनको गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, कस्टमर्स, राइट। अब जो बिजनेस है सप्लाई कर रहे होते हैं गुड्स, या तो वो गुड्स खुद बनाएंगे, माइट मेक दोज गुड, यानी कि खुद प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं, मेरा काम क्या है, मेरी एक्टिविटी क्या है कि मैंने, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैंने कुर्सियां बेच के प्रॉफिट कमाना है। अब या तो वो मैं कुर्सियों को खुद कंस्ट्रक्ट करूंगी, मतलब बनाऊंगी खुद ही, राइट, कैसे कि मैं लकड़ी खरीदूंगी, उसको खुद ही मैंने काटा, उसको खुद ही मैंने बनाया कुर्सियों की शक्ल में, और फिर मैंने उनको बेचा, ठीक है। उस सिनेरियो में मैं क्या कहलाऊंगी, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, या तो ये होगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं बनी बनाई कुर्सियां खरीदूं और उनको मैं आगे जाके बेच दूं, तो उसको मैं, हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रिटेलर, ठीक है। तो हमारे पास अब यहां पे जो हमारे पास बिजनेस एक्टिविटीज हैं कि किन तरीकों से आप प्रॉफिट कमा सकते हो, या तो वो होंगे मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, ठीक है, या तो आपके पास जो एंटिटी है वो कोई होगी मैन्युफैक्चरर, यानी कि वो कोई प्रोडक्शन करती है, उसके पास कोई प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो अप्लाई करके एक चीज को दूसरी चीज में, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर बेचे, ठीक है। या फिर क्या है, वो फिनिश्ड आइटम को ही उसी हालत में खरीदे और उसको आगे जाके उस पर अपना प्रॉफिट लगाए, उस पर थोड़ी वैल्यू लगाए और उसको आगे जाके इंक्रीज अमाउंट पे बेच दे। या फिर तीसरा क्या है कि वो कोई सर्विस प्रोवाइड करे, राइट। तो ये जो दोनों हमारे पास सिनेरियोज हैं, इसमें तो आपके पास क्या इन्वॉल्व होता है, इन दोनों सिनेरियोज में तो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं गुड्स, राइट, टेंजिबल आइटम, और यहाँ पे ये फिर हमारी वो सर्विसेज वाली बात आ जाती है। तो गुड्स या सर्विसेज दोनों को प्रोवाइड करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। गुड्स के फिर दो आगे से एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि या तो गुड्स को आप एज अ रिटेलर या ट्रेडर आप प्रॉफिट कमा रहे हो गुड्स को यूज करते हुए, या फिर आप कोई मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। फिर आगे वो क्या कह रहा है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर एक्सेप्टिंग रिस्क। अब जाहिर सी बात है, आपने, हो सकता है आपके फैमिली या फ्रेंड्स में काफी ऐसे लोग हो जिन्होंने बिजनेस शुरू किया हो, अब वो बिजनेस शुरू करते हुए ऑब्वियसली काफी डर होता है, पता नहीं ये ना हो कि सब कुछ ही ठप हो जाए, क्या पता हमारा बिजनेस चले ना चले, क्या पता हम प्रॉफिट कमा सके ना कमा सके, राइट। तो ये एक रिस्क है, एक ये एक डंडा आपके पास, आप तलवार आपके सर पे लटक रही होती है कि अगर आप अपना खुद बिजनेस शुरू कर रहे हो तो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। आप अपनी पूरी जमा पूंजी लगा के कोई एक्टिविटी शुरू करो और फिर फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता है अगर ना चले तो दैट इज अ वेरी बिग लॉस, राइट। तो अब उस, अगर आप कोई बंदा अलग नाम लेके बस बिजनेस शुरू कर रहा है, ठीक है, और वो रिस्क क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि बस ठीक है मैं ये रिस्क लेता हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन आई एम टेकिंग दिस रिस्क, और अगर उसको आगे जाके प्रॉफिट मिल जाता है तो देखो उसको रिवॉर्ड मिल गया, उसने इतना बड़ा कदम उठाया, उसने इतना बड़ा रिस्क लिया, और फिर अल्टीमेटली व्हेन ही स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट तो वी विल से कि जो प्रॉफिट है दैट इज बेसिकली अ रिवॉर्ड फॉर एक्सेप्टिंग रिस्क, ठीक है। फिर आगे जाके क्या बात होती है, जाहिर सी बात है बिजनेस का ओनर कौन होता है, बिजनेस का ओनर वो होता है जिसने सारा पैसा लगाया होता है बिजनेस शुरू करने के लिए, जिसने रिस्क एक्सेप्ट किया हुआ होता है, राइट। तो अब जाहिर सी बात है क्योंकि रिस्क ओनर का है, सारा पैसा ओनर का है, इन्वेस्टमेंट ओनर ने की हुई है, तो क्या होगा, प्रॉफिट भी होंगे तो वो भी सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ ओनर की मिल्कियत है, ठीक है, वो ओनर को बिलोंग करते हैं। इसी तरह अगर कोई लॉस होगा तो वो भी ओनर को ही बिलोंग करता है, राइट। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि हर टाइप ऑफ बिजनेस में मौजूद होते हैं। तो हमने ये चीज तो देख ली, फिर हम ये देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ बिजनेसेस मौजूद हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज। ऊपर जो हमने अभी पढ़ा वो तो है टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, के क्या एक्टिविटी करके बंदा प्रॉफिट कमा सकता है। अब ये कहते देख सकते हैं कि भाई कितनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज होती है, ठीक है। तो हमारे पास तीन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज हैं,
ठीक है, आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है और कंपनियां भी हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, राइट। अब उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप का दूसरा नाम आपका सोल ओनरशिप भी है, ठीक है। सोल ओनरशिप का क्या मतलब है? सोल का मतलब है एक, सिंगल, राइट। तो एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जिसका ओनर कौन है? वन, एक ओनर है, ठीक है। सिर्फ एक ही बंदे ने वो बिजनेस शुरू किया, एक ही बंदा ये बात बोल सकता है कि ये बिजनेस मेरा है, राइट। तो उस एक्टिविटी को, उस एंटिटी को हम क्या कहते हैं कि दिस इज व्हाट, दिस इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ फीचर्स है, नेचुरली सी बात है। एक तो यही हो गया कि आपका एक ही ओनर मौजूद है, आपका एक ही ओनर है, ठीक है। फिर ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं, इधर मैं हेडिंग डाल देती हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं, एक सिंगल ओनर है आपके पास, ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बिलोंग टू द सोल प्रोप्राइटर। इसको हम सोल ट्रेडर भी कहते हैं। अगर तो ये देखिए, अब सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, ये ट्रेडर भी हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब एक सोल प्रोप्राइटर है, नंबर वन एक ओनर है, ठीक है। अब एक ओनर है, ये पता लग गया कि टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी कौन सी है, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम देखते हैं कि किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ये मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है वो ओनर, सोल ओनर, वो ट्रेडर भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है, राइट। तो ये जो टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज है वो एक बड़ी चीज है, राइट। और जो टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज फिर आगे से एक्सप्लेन करती है कि वो बिजनेस एंटिटी किस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई कंसर्न है, मैन्युफैक्चरर एक एक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग की, अब वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी क्या हो सकती है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में भी हो सकती है, वो पार्टनरशिप के भी फॉर्म में हो सकती है, वो कंपनी के फॉर्म में भी हो सकती है। तो दोनों चीजें ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास असल में सिलेबस में हमें मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा ये चीज मैं आपको बताना भूल गई, हमारे सिलेबस में मैन्युफैक्चरर के बारे में क्या अकाउंटिंग, किस तरह से वो अकाउंटिंग करता है, रिपोर्टिंग किस तरह से करता है, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, ठीक है। एक ये हमारे सिलेबस में नहीं है और सर्विस प्रोवाइडर हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हमें इंट्रो टू अकाउंटिंग में रिटेलर या ट्रेडर की ही अकाउंटिंग पढ़नी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर हम आते हैं इधर, अब हम इसलिए इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि सोल, क्योंकि हम ट्रेडर पढ़े ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसको सोल ट्रेडर भी कह सकते हैं, ठीक है। हम इसको सोल ट्रेडर से ही रेफर करेंगे ज्यादातर, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास क्या बात आती है, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉसेस तो नेचुरली सी बात के उस नेचुरली सी बात है उस सोल ओनर के ही है, ठीक है। अब ये बात क्या कहते हैं, ऑल एसेट्स ऑफ द बिजनेस बिलोंग टू द ओनर। अब एसेट्स की डेफिनेशन हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे प्रॉपर डेफिनेशन, लेकिन एसेट्स एक लेमैन टर्म्स में, बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं, कोई भी किसी भी बिजनेस का कोई असासा, रिसोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा अगर एक ऑफिस है तो ऑफिस की जो बिल्डिंग है वो मेरा क्या होगा, वो मेरा एसेट होगा, राइट, यानी कि बिजनेस का एसेट कहलाएगा वो। अगर ऑफिस में जो कुर्सियां पड़ी हुई है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, टेबल पड़ी हुई है, कंप्यूटर है, दूसरी इसके जो आइटम्स उसमें पड़े हुए हैं, गाड़ी है ऑफिस की, वो सब चीजें क्या कहलाएंगी, एसेट कहलाएंगी। ऐसी कोई भी चीज जो कि आपको कोई बेनिफिट प्रोवाइड करती हो, तो मैं इन सारी चीजों को इस्तेमाल करके क्या कर रही हूँ, बिजनेस चला रही हूँ ताकि मैं प्रॉफिट कमाऊं, राइट। तो ये सारी चीजें मेरे एसेट है, बिजनेस का एसेट है। अब ये है तो ऑफिस की, ऑफिस में पड़ी हुई है, ठीक है, ऑफिस का लैपटॉप है, ऑफिस की टेबल है, लेकिन ये सारे एसेट्स किसको बिलोंग करते हैं, दीज ऑल ऑफ दीज एसेट्स बिलोंग टू दी ओनर, ये सब ओनर के हैं। अब एक थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट सी चीज हमने पढ़नी है, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, ठीक है।
इसको क्या कहते हैं, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है और ये आपको पता होना चाहिए. ओनर एंड द बिजनेस आर सेपरेट एंटिटीज. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस है, ठीक है, आई एम अ ट्रेडर किसी भी चीज का, फॉर एग्जाम्पल. अब जाहिर सी बात है मेरी पर्सनल लाइफ भी है, ठीक है, मेरा अपना घर है जिसको मैं अपनी ऑब्वियसली मैं रहती हूँ उसमें, उसमें मेरा अपना फर्नीचर है जिसको मैं घर में यूज करती हूँ, मेरी दूसरी बिलोंगिंग है, मेरी गाड़ी है, मेरा बैंक बैलेंस है, ठीक है, मेरे दूसरे एसेट्स हैं और मेरे खर्चे भी हैं, मैं शॉपिंग भी जाती हूँ, मैं खाना पीना, राइट, ग्रोसरी वगैरह सब चीजें हैं. उसके अलावा अब बिजनेस के बारे में बात करें, मैं साथ साथ क्या चला रही हूँ, बिजनेस भी चला रही हूँ, ठीक है, बिजनेस की भी एक बिल्डिंग है, बिजनेस की भी गाड़ी है, बिजनेस के भी खर्चे हैं, बिजनेस के लिए मैं क्या कर रही हूँ, चीजें खरीद के उनको बेच रही हूँ, ठीक है, बिजनेस के ऑफिस है, जो ऑफिस है उसका मैं रेंट भी पे कर रही हूँ, उसकी मैं इलेक्ट्रिसिटी भी पे कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं अपने घर का रेंट भी पे कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल. तो अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बेसिकली कहता क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मेन जो एप्लीकेशन है वो ये है कि आपने अपने ओनर है ना, ओनर है वो, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है और बिजनेस लाइफ भी है, तो उसने करना क्या है, उसने अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पर्सनल लाइफ को अलग मेंटेन करना है, अलग उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, पर्सनल ट्रांजेक्शन को की अकाउंटिंग अलग करनी है और उसने बिजनेस की ट्रांजेक्शन की अलग रिकॉर्डिंग अलग अकाउंटिंग करनी. यानी कि अगर मेरे पास एक किताब है, बुक है, जिसमें मैं सारी ट्रांजेक्शंस को अपना खर्चे, जिस तरह हमारे घरों में हमारी अम्मियां करती है ना, इस तरह से कि वो बजट मेंटेन कर रही होती है, सब्जी इतने की, आलू इतने के लिए, फलाना, राइट, सारी चीजें वो लिखती हैं. तो अब अगर मेरे पास एक बुक मौजूद है तो मैंने क्या करना है, मैंने दोनों चीजों के बारे में उस सेम बुक में नहीं लिखना, मैंने अपने पर्सनल ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग बजट मेंटेन करना है, अलग उसका हिसाब किताब नोट करना है और मैंने अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस की सारी डीलिंग के बारे में अलग नोटिंग करनी है और उसको मैंने बेसिकली बिजनेस लाइफ को, प्राइवेट लाइफ को अलग रखना है, पर्सनल लाइफ. आई होप दैट्स क्लियर, राइट. तो बिल्कुल लेमैन टर्म्स में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से मुराद ये है. अच्छा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का जो सही वाला डेफिनेशन है वो यहां से मिलेगा, ये है पेज नंबर 8, ठीक है. अब इसमें हो सकता है कुछ चीजें आपको अभी समझ में ना आए, फाइनेंशियल रिपोर्ट से क्या मुराद है ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है. इसको बस ये समझे कि अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड एज इफ द बिजनेस एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, ठीक है. इन अदर वर्ड्स द बिजनेस एंटिटी एंड इट्स ओनर्स आर डिफरेंट, दिस इज नोन एज द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है. आगे क्या लिखा हुआ है अगले पैराग्राफ में ये भी नहीं पढ़ना, ये भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है. तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि आपने क्या समझना है. एंटिटी बेसिकली क्या होती है, ऐसी कोई चीज होती है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, कोई बीइंग हो, राइट. तो आप इसी तरह से ट्रीट करें कि ओनर एक अलग इंसान है और बिजनेस जो है ना वो एक अलग इंसान है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ओनर को बिलोंग करता है वो बिजनेस, लेकिन ट्रीटमेंट अकाउंटिंग के हिसाब से आपने दोनों की अलग अलग करनी है. आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. इसकी डेफिनेशन आपको बुक से याद करनी है, ठीक है. कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है, वो टेस्ट भी होते हैं, ठीक है. किस तरह से होते हैं वो हम क्वेश्चन इंशाल्लाह देख लेंगे. अच्छा जी, दैट हैविंग सेड, इससे एक और चीज फिर हमें डिस्कस करनी है जो कि है बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है. इसको क्या कहते हैं, अब ये वाला पॉइंट क्या कहला कह रहा है, सोल ओनर इज पर्सनली लायबल फॉर द अनपेड डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस. इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट. इससे क्या मुराद मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हमने ये चीज पढ़ ली कि बिजनेस अलग एंटिटी है और ओनर एक अलग एंटिटी है, राइट. दोनों की अकाउंटिंग हमने अलग अलग करनी है, ठीक है.
ये काम हो गया. अब फॉर एग्जाम्पल इसे समझने वाली बात है, इसको क्या मतलब हुआ? इसको मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बिजनेस है, राइट. अब मैंने ऑब्वियसली बिजनेस की ट्रांजेक्शन की हुई है. फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे मेरे जो ऑफिस था मेरा, उसका मैंने 1 लाख रुपए का रेंट पे करना होता है किसी एक पार्टी को, ठीक है. ऑफिस का रेंट है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बिजनेस का रेंट है. अब मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल वो 1 लाख रुपए मैं ही पे करूंगी क्योंकि आई एम दी ओनर, ठीक है, और मैं किससे पे करूंगी, जो बिजनेस का बैंक अकाउंट मैंने बिजनेस के नाम पे बैंक अकाउंट खोला होगा, क्योंकि देखिए दोनों सेपरेट एंटिटीज है ना, तो हमें क्या करना है, मेरा अपना पर्सनल पैसा मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट में होगा और जो बैंक का कैश होगा वो अलग से उसके अलग उस बिजनेस के नाम से मैं अलग बैंक अकाउंट खोलूंगी और उसमें मैंने उसकी सारी डीलिंग्स करनी है. बात याद रखिएगा, एसेट्स वगैरह भी आपने क्या करना, फिर आप अलग अलग ही रखोगे, राइट. इवन दो वो सारे के सारे एसेट्स मुझे बिलोंग करते हैं, हमने ये बात बात पढ़ी, लेकिन मेंटेनेंस दोनों की अलग अलग हो रही होगी, ठीक है. अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल बिजनेस का बैंक अकाउंट है खाली, उसमें 0 पैसा पड़ा हुआ है. अब 1 लाख रुपए सप्लायर जो जो मेरा मालिक मकान है, जो भी है, जो ओनर है उस बिल्डिंग का, वो मेरे पास आता है, वो मुझे कहता है मुझे रेंट दे इस महीने का 1 लाख रुपए, राइट. आपने ऑफिस खोला हुआ है मेरी बिल्डिंग में, तो मैं ये कह नहीं सकती कि मैं उसको ये नहीं बोल सकती कि जी बैंक में जो बैंक के नाम जो बैंक बैलेंस है बिजनेस का वो तो 0 है, मैं आपको आई एम सॉरी मैं नहीं पे कर सकती, आप अगले महीने आना, ये बात मैं नहीं बोल सकती. रीजन क्या है? रीजन ये है कि आई एम पर्सनली लायबल फॉर एनी अनपेड डेट. डेट से मुराद वो पैसा जो कि बिजनेस को किसी और को पे करना हो. ऑब्लिगेशन से भी मुराद यही है कि अगर बिजनेस ने कोई पैसा पे करना हो उसको हम बिजनेस का डेट या ऑब्लिगेशन कहेंगे. तो बिजनेस का क्या पे करना है मुझे? रेंट पे करना है, राइट. तो मैं ये नहीं कह सकती कि जी बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं पड़ा हुआ, 0 बैलेंस पड़ा हुआ है, पैसे नहीं है अभी, तो आप एक काम करें अगले महीने पैसे आ जाएंगे बिजनेस के बैंक अकाउंट में, आप अगले महीने आना, राइट. मैं ये बात नहीं बोल सकती. क्यों? क्योंकि आई एम पर्सनली लायबल फॉर एनी डेथ एंड ऑब्लिगेशन ऑफ माई बिजनेस. यानी कि मैं अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के मुझे पे करना है हर हाल में, राइट. सप्लायर जो उसका जो मेरे सामने पार्टी है जिसको पैसे लेने हैं, वो मुझे हर हाल में फोर्स करेगा, उसके पास ये लीगल राइट है कि वो क्या करे, मुझे फोर्स करे कि भाई आप अपने पर्सनल एसेट्स को बेचो, अगर आपके पास भी कैश नहीं है आप अपनी गाड़ी बेचो, जैसे भी करो, मुझे मेरे 1 लाख रुपए चाहिए. तो उसको क्या कहते हैं, जो सोल ओनर है उसकी लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी का मतलब यही होता है कि वो लाइबल टू पे है या उसके ऊपर एक तलवार लटक रही है, ठीक है. और वो क्या है? अनलिमिटेड है, लामहदूद, ठीक है. तो बिजनेस का अगर फॉर एग्जांपल सारी चीजें बिजनेस का बिक गया, फिर भी बिजनेस के पार्टीज अभी बैठी हुई है पेमेंट के इंतजार में, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना पर्सनल बैंक अकाउंट को पर्सनल कैश को इस्तेमाल करने पड़ेगा, मुझे घर अपना बेचना पड़ सकता है, मुझे गाड़ी बेचनी पड़ सकती है, राइट. तो ये देखें, यही तो रिस्क है, यही तो रिस्क है बिजनेस का. काफी ऐसे सिनेरियोज हमने सुने होंगे, देखे हुए भी हैं, कि जिसमें बिजनेस किसी ने शुरू किया और इतने बुरे हालात हो गए, वो बिल्कुल नहीं चला बिजनेस, लेकिन पार्टियों को पेमेंट करनी थी, इतने बुरे हालात हो गए कि लोगों को अपने घर बेचने पड़ जाते हैं, अपनी गाड़ियां बेचनी पड़ जाती हैं, वो सड़कों पर आ जाते हैं, जस्ट बिकॉज देयर बिजनेस वे रिस्क था और वो रिस्क पूरा हो गया, उनको लॉस में लॉस होते गए, राइट. क्योंकि लाइबिलिटी आपकी क्या है? अनलिमिटेड है. इसी अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और पॉइंट है, बिजनेस ने अगर फॉर एग्जांपल सप्लायर ने को पैसे नहीं पे हुए, मेरे पास भी फॉर एग्जांपल कैश इतना नहीं पड़ा हुआ पर्सनल के मैं उसको पे ऑफ कर दूं, सामने वाली पार्टी है वो मुझे सू कर सकती है. काम किसका था? बिजनेस का काम था. दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है. वो बिजनेस की वजह से मैं कोर्ट में जा, मुझे कोर्ट में बुलाया जाएगा, ठीक है. जो सामने वाली पार्टी है वो कहेगी मैं नहीं जानता, हम कहेंगे कि बिजनेस एंटिटी तो अलग एक है, मैं एक अलग हूँ, आप तो बिजनेस को सू करो ना, मुझे क्यों सू कर रहे हो? नहीं, इस सिनेरियो में फिर आप और बिजनेस हो जाओगे एक, ठीक है. इस सिनेरियो में फिर क्या होगा, कोई सेपरेट एंटिटीज नहीं देखी जाएंगी. सामने वाली पार्टी बोलेगी आई डोंट नो एनी बिजनेस, आई ओनली नो यू, ठीक है. तो ओनर ही उसमें फंसता है, ठीक है. तो ये कुछ चीजें, ये कुछ कॉन्सेप्ट है, फीचर्स है जो कि डिस्कस करने वाले थे. यही सारी चीजें तकरीबन जो है आपकी यहाँ पे मेंशन,
हुई भी है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, द सोल प्रोप्राइटर कैन एक्सट्रैक्ट कैश एंड अदर एसेट्स फ्रॉम द बिजनेस। तो आपको पता है कि जी एसेट्स जो है वो सारे के सारे ओनर को बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो बिजनेस में से वो निकाल भी सकता है, उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे अगर ऑफिस में मैंने ऑफिस के यूज के लिए कोई माइक्रोवेव खरीदा हुआ था जो कि ऑफिस के किचन में पड़ा हुआ था, राइट, वो ऑफिशियल यूज के लिए था, बिजनेस यूज के लिए था। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे घर का माइक्रोवेव हो जाता है खराब और मैं कहती हूँ कि भाई मैं एक नया माइक्रोवेव क्यों खरीदूं, मेरे ऑफिस में एक माइक्रोवेव पड़ा हुआ है ना, वो इतना इस्तेमाल ही नहीं होता, तो मैं काम करती हूँ उसको परमानेंटली अपने घर के इस्तेमाल में ले आती हूँ। तो मैंने क्या किया, बेसिकली वो एसेट उठा के बिजनेस यूज से मैं ले आई हूँ किसमें, पर्सनल यूज में। तो उसको कहते हैं ड्रॉइंग करना, ठीक है, वो कर सकता है बिल्कुल। फिर आगे वाला पॉइंट रटा मारने सिर्फ क्लियर हो जाएगी बात। द बिजनेस में भी फाइनेंस, फाइनेंस से मतलब ये है कि किस तरीके से बिजनेस फंडिंग होती है उसकी। इट कैन बी फाइनेंस बाय अ मिक्सचर ऑफ ओनर्स कैपिटल, या तो ओनर उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करे और वो क्या ले ले, ऑब्वियसली जरूरी तो नहीं है कि एक सोल एक बंदा है उसके पास इतना पैसा हो कि भाई वो बिजनेस स्टार्ट करे तो वो कहलाएगा तो वो ओनर। अगर वो किसी और से पैसे लेके बिजनेस शुरू करता है तो ये काम भी हो सकता है, राइट। A sole proprietor business might employ many people, but it is usual for the proprietor to take a very active role in the business, exercising a high degree of control. हम देखते भी हैं, ठीक है, जो छोटी मोटी दुकानों के ओनर्स होते हैं वो बैठे भी होते हैं सारा टाइम, देर सुपरवाइजिंग, देर मॉनिटरिंग। हो सकता है उन्होंने कोई बंदा इंप्लॉय ना किया हो, ठीक है, कोई छोटू वोटू हो ही ना, वो सारा काम खुद कर रहे हो, राइट, लेकिन वो इंप्लॉय कर भी सकते हैं, वो इंप्लॉयज भी रख सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन बी सोल्ड। गोइंग कंसर्न से मुराद क्या है ये इंशाल्लाह आपको बाद में क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक चलता फिरता बिजनेस जो है ना आप उठा के किसी दूसरे को भी बेच सकते हो, ठीक है, आप सारी चीजें उसको ट्रांसफर कर दो और उसको कहो कि चलो अब मेरा इसको सारा सालों खत्म, अब दूसरा बंदे को बोलो कि अब तुम इसके ओनर बन गए, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के। 11 बज गए, क्लास का टाइम खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह हम 9:30 बजे में स्टार्ट कर दूंगी। तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वैसे ही क्लास में वैसे ही अटेंडेंस कम है ना, तो 3 या 4 स्टूडेंट्स ही हैं, तो अगर आप लोग भी नहीं आओगे तो फिर मैं किसको पढ़ाऊंगी, राइट, तो मैं क्लास किस तरह सुनूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास जरूर अटेंड कीजिए, ठीक है। चले मैं नींद अपनी बर्बाद कर रही हूँ तो आप लोग भी करें ना, थोड़ी सी मेहनत करें, फिर आगे तो मजे ही मजे हैं। फिर एक दफा क्वालिफाई हो जाए, क्लासेस अटेंड करने से फारिग हो जाए तो बस ठीक है, फिर जितनी नींद ने पूरी करनी होंगी कर लीजिएगा, सही है। चले कोई क्वेश्चन अभी, आई होप इस लेवल तक तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। कल हम इंशाल्लाह प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी के फीचर्स भी देखेंगे और चीजों को भी देखेंगे, ठीक है। तो आई होप यू हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।